हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आपको पता हुआ कि GoPro 10 अभी लॉन्च होने वाला है इंडिया में नवंबर में, और उसके कई लोगों को कन्फ्यूजन है कि वो GoPro 10 की ओर जाएं या 9 लें, क्योंकि देखिए अभी 9 का प्राइस भी काफ़ी कम हो गया, 43,000 आप अभी है उसका प्राइस। अमेजोन पे देखेंगे आप 35-36 की रेंज में मिल जाएगा, और वहीं जो GoPro 10 है उसका भी कॉस्टिंग 54,500 रुपीज़ है। अब वो देखिएगा इंडिया में जब आएगा तो उसका अमेजोन या और दूसरी साइट से उस पर कितना एक्चुअल प्राइस रहता है, पर इतना अभी पता है कि 54,500 रुपीज़ में वो इंडिया में लॉन्च होगा। पर कई लोगों को अभी कन्फ्यूजन है कि उसे लें या ना लें, कि GoPro 9 ले लें। अगर आप देखिए कंपैरिजन जानना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको GoPro 9 और 10 के बीच में पूरा डिफरेंस बताया था, पर जहां आप उसको वीडियो को देख लीजिएगा। पर जहां तक आपको GoPro 10 के फीचर्स की बात करें तो उसमें काफ़ी अच्छे फीचर्स दिए गए हैं। जो इश्यूज़ GoPro 9 में आपको मिल रहे थे वो आपको इसमें कुछ भी नहीं मिलेगा। जैसे सबसे पहले तो उन्होंने GP2 प्रोसेसर, जो प्रोसेसर उन्होंने नया यूज़ किया है, जिससे कि आपको जो लैगिंग का इशू तो होता था, और जो टच स्क्रीन जो उसका है GoPro 10 का वो काफ़ी अच्छा है, कोई भी लैग नहीं होगा। और जो लो लाइट का, जो लो लाइट में आप वीडियो रिकॉर्ड करते थे उसमें भी अच्छा नहीं था GoPro 9 में, अब इसमें वो भी इम्प्रूव हो गया है। उसके साथ ही इसमें हाइपर स्मूथ जो इनका इमेज स्टेबलाइजेशन का है तो वो भी इम्प्रूव हुआ है, वो 4.0 एक एडवांस लेवल आ गया है। तो उसमें क्या रहता है कि जब भी आप रिकॉर्डिंग करते हैं तो जो भी शेकीनेस रहती है वो बिल्कुल कम हो गई। अगर आप हाइपर स्मूथ ऑन कर देंगे और तो बिल्कुल वो आपकी शेकीनेस रहती है तो वो सब बिल्कुल कम हो जाएगी। तो ये भी बढ़िया फीचर दिया, और सबसे अच्छी चीज़ है जो इनका फ्रेम रेट बढ़ा दिया है। जो 4K आप पहले 60 FPS पे कर पाते थे, वही 4K रिकॉर्डिंग आप 120 FPS पे कर पाएंगे, तो आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग की जो क्वालिटी है और बढ़िया हो पाएगी। 5.3K तक दोस्तों आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, मतलब इतने रेजोल्यूशन में। तो ये सब चीज़ें बढ़िया हैं। 23 MP तक की आप अपना कैमरे से, मतलब उसका जो मेगापिक्सल है वो भी इम्प्रूव किया गया है। तो ओवरऑल काम तो किया है GoPro ने, और आप इसके रिव्यू वीडियो देखेंगे और आप YouTube के चैनल्स पे देखेंगे जो बाहर के कंट्रीज़ के हैं, तो उसमें उन्होंने बताया भी काफ़ी अच्छा रिस्पांस है GoPro 10 का। जो उन्होंने फीचर्स डाले हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, पर वही है कि दोस्तों सारी चीज़ें मिलके आ जाती हैं बजट पे। अगर दोस्तों आपका बजट 54,000 तक है तो आप ज़रूर से ले सकते हैं, कोई भी इश्यूज नहीं है इसमें, बहुत बढ़िया है ये वाला। अब जैसे आईफोन है, जैसे ये अपने कैमरे का मतलब आईफोन समझ लीजिए, ये अगर एक्शन कैमरे का कोई आईफोन कहलाएगा वो GoPro ही है। GoPro सबसे बढ़िया उसके रहते हैं एक्शन कैमरा, और जैसे आईफोन के हर साल आते हैं वैसे ही GoPro के भी दोस्तों आ रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं जो बढ़िया क्वालिटी के लिए थोड़ा पैसा ज़्यादा देना पड़ता है। अब वही अगर आपका बजट है आप उतना, तो आप ज़रूर से लीजिए। अगर नहीं है तो आप GoPro 9, 8 भी ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और भी एक्शन कैमराज हैं, उसकी भी मैंने लिस्ट बना रखी है, आप वो भी वीडियो देख सकते हैं। पर दोस्तों ओवरऑल अच्छा काम किया है GoPro 10 में, तो उसमें अगर कोई पैसा लगा रहा है तो उसका वेस्ट नहीं होगा, काफ़ी अच्छा उसको वीडियो क्वालिटी और जो उसके फीचर्स हैं पूरे जस्टिफाई हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। वीडियो अच्छा लगा उस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपका कोई भी क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका जल्द से जवाब देने की कोशिश करूंगा। मिलता हूँ दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।